नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज विशेष में हम आपको एक विधायक की तमंचे पे डिस्को वाली करतूत दिखाने जा रहे हैं। विधायक जी का नाम है प्रणव सिंह चैंपियन। उत्तराखंड के विधायक हैं, लेकिन हरकतें ऐसी करते हैं कि देश पहचानता है। 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे विधायक जी, लेकिन अपने कारनामों से पार्टी को दिन में ही तारे दिखाते रहे हैं। पिछले ही महीने पार्टी से निलंबित भी हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर से इनके कारण पार्टी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। साउथ की फिल्मों में नहीं मिलेगा, बॉलीवुड की फिल्मों में नहीं मिलेगा, तमंचे पर ऐसा डिस्कोर्स सिर्फ यही मिलेगा। कभी हाथ में पिस्टल, कभी दांत में पिस्टल, एक हाथ में कारबाइन तो दूसरे हाथ में तीन तीन पिस्टल। आजा तुझे भी मैं करा दूं तमंचे पे डिस्को। जितना ताव मूछों पर, उतना ही ताव पिस्टल पर। इन्होंने तो क्विगन मोर्गन का भी कान काट डाला। तो बोलिए वाह चैंपियन वाह। जी हाँ, चैंपियन है ये। सियासत के चैंपियन, हथियारों के प्रदर्शन के चैंपियन, डांस के चैंपियन, बॉडी बिल्डिंग के चैंपियन, शराब नोशी के चैंपियन, गालियों के चैंपियन। अरे हाँ, ये तो बताना हम भूल ही गए कि इनका नाम भी चैंपियन है। अपने नाम को धन्य करने वाले ये स्वनाम धन्य कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है। कोई गुंडा लाखेरा नहीं है, माननीय है, नेताजी है, चुने हुए विधायक है, वो भी उत्तराखंड की तीर्थ नगरी हरिद्वार के खानपुर से विधायक है। पवित्र इलाके की पवित्र आत्मा वाले विधायक। जनता ने इन्हें इलाके के विकास और सेवा के लिए चुना है, लेकिन देखिए ये किस तरह जनता की सेवा कर रहे हैं। इस गन मास्टर चैंपियन की महफिल सजी है, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अब फिल्म वाले राणा जी का तो राणा जी ही जाने, लेकिन यहाँ के राणा साहब से कोई गलती नहीं हुई है। जो कर रहे हैं डंके की चोट पर कर रहे हैं। नेताजी का जरा संतुलन तो देखिए, एक हाथ में तीन तीन पिस्टल और दूसरे हाथ में कार्बाइन। ऐसा डांस करना तो प्रभु देवा के बस का नहीं, लेकिन ये तो चैंपियन है चैंपियन। जिसके सामने मुश्किल आ जाए वो क्या खाक चैंपियन। तो हुआ यूं कि नेताजी के पैर का ऑपरेशन हुआ था, जब ठीक होकर लौटे तो पार्टी दे दी। पार्टी भी पूरी झमाझम, जहां शराब कबाब का पूरा इंतजाम था। जाम का सुरूर नेताजी पर कुछ यूं चढ़ा कि वो बंदूकबाज अवतार में आ गए, शर्ट उतार दी, काली बनियान में आ गए। इसके बाद तो विधायक जी चैंपियन तो चैंपियन बंदूकबाज बन गए। कार्बाइन और पिस्टल लहराने लगे, डांस करने लगे। विधायक जी के इस चैंपियन डांस को देखकर उनके चमचे वाह वाह कर उठे। कमाल है साहेब, ये तो आप ही कर सकते हैं। पूरे उत्तराखंड में, पूरे हिंदुस्तान। चैंपियन नाच रहे हैं, महफिल में आए उनके चमचे भी कर रहे हैं तमंचे पे डिस्को। आजा तुझे भी मैं करा दूं तमंचे पे डिस्को। इस चैंपियन विधायक की चाल देख लीजिए, चेहरा देख लीजिए और चरित्र देख लीजिए। इनकी इस कारगुजारी का वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन विधायक जी को इसका मलाल नहीं है। कहते हैं कि बंदूक भी हमारी, शराब भी हमारी, हम खानदानी राजा, क्यों ना करें तमंचे पे डिस्को। मैंने क्या किसी की आज भी 500 रुपए मारे आज तक? किसी की प्रॉपर्टी हत्याई, किसी की लड़की का अपमान किया? किसी गवर्नमेंट योजना का जवाब दीजिए। मेरा शौक है हथियारों से खेलना, राज परिवार का सदस्य हूँ। 8 साल की उम्र में मैंने गोली चलाना सीखा था, लेकिन कभी किसी निर्दयता से किसी को सताया नहीं। राइफल शूटिंग की हॉबी है। विधायक जी जन्म से राजा हैं, तन के राजा हैं, मन के राजा हैं, गलती नहीं मानते। कई बार इनकी कारगुजारियों की वजह से इनकी पार्टी को शर्मिंदा होना पड़ा है, लेकिन चैंपियन विधायक कभी शर्मिंदा नहीं हुए। वो मानते ही नहीं कि गलती उनसे होती है, उनके सामने तो लोग अपनी गलती मानते हैं। दिलीप सिंह राठौर, देहरादून, आज तक।
प्रणव सिंह चैंपियन विवादों के कितने बड़े खिलाड़ी हैं, इसे बस यूं समझिए कि पुलिस से लेकर मुख्यमंत्री तक उनके बिगड़े बोल और टेढ़ी सोच का शिकार हो चुके हैं। पिछले महीने जब प्रणव सिंह चैंपियन का पत्रकार को धमकाने वाला वीडियो वायरल हुआ था तो खुद पर हुई कार्रवाई के बाद उन्हें संभल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा दबंग विधायक आपने देखा नहीं होगा। दबंग है, रंगबाज है, बंदूकबाज है, बंदूकों के शौकीन, तभी तो कभी हाथ में तो कभी दांत में पिस्टल दबाए डांस कर रहे हैं। डांस के इतने शौकीन हैं कि कभी हथियारों के साथ डांस करते हैं तो कभी बार डांसर के साथ उनके डांस का वीडियो चर्चा में आ जाता है। देखिए कितनी रंगबाजी के साथ डांसर्स के साथ ठुमके लगा रहे हैं विधायक। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की रंगबाजी पूरे उत्तराखंड में मशहूर। कभी ये कांग्रेस की शोभा बढ़ाते थे, लेकिन बाद में ये बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे की नुमाइंदगी करने लगे। इनका अलग ही अंदाज है जो कभी बदलने वाला नहीं है। और एक चीज कह दूं, इस शम्मे फरोजा को आंधी से डराते हो, इस शम्मे फरोजा के मस्ताने हजारों, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों, ये कहना चाहूंगा आपकी तरफ से। पिछले महीने प्रणव चैंपियन की रंगबाजी का एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये एक मीडिया कर्मी को धमका रहे थे। इस पर बीजेपी ने इन्हें 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था। इससे पहले भी पत्रकारों के साथ मारपीट को लेकर वो सुर्खियों में छा चुके हैं। इस बार प्रणव चैंपियन के बंदूकबाज वाले रूप का वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि विधायक जी इस वीडियो को एडिटेड बता रहे हैं। एक्चुअली इट इज वेरी ओल्ड वीडियो, पुराना वीडियो है। उस समय हम बीजेपी में भी नहीं आए थे और किसी का बर्थडे है मेरे ख्याल से हमारे जानकार का, जिसमें हम गए थे और फंक्शन खत्म हो जाने के बाद का पर्सनल जो कुछ लोग वहाँ के परिवार वाले हैं उनके साथ का वो शूट है। शूट ही कहेंगे, जब किसी ने वीडियो ले लिया हमें पता भी नहीं है वो हो गया है। और उस समय कुछ एडिटिंग उसमें की गई है, जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है अपने राज्य के लिए, मैं कभी अपशब्द नहीं बोलता हूँ, ये वास्तव में हमें फंसाने के लिए चाल चली गई है। चैंपियन विधायक की कारगुजारियां वायरल हुई तो संदेश बीजेपी के दिल्ली दरबार में भी पहुंचा। पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। हमने उस वीडियो को देखा है और वो वीडियो बड़ा विभत्स वीडियो, बड़ा खराब वीडियो है। चैंपियन साहब पहले भी इस तरह की जिस वीडियो है इस तरह की हरकतों के लिए पार्टी से निलंबित हो चुके हैं और हम इस तरह के वीडियो को जिस तरह का हुआ है उसकी कड़ी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में की कार्य संस्कृति में इस तरह के लिए कोई स्थान नहीं है। आप ये विश्वास मानिए कि पार्टी अपनी प्रदेश इकाई से बात करके कठोर कार्रवाई करेगी। प्रणव चैंपियन जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है उन पर इसके पहले ही हमने कार्रवाई कर दी है। वो 3 महीने के लिए सस्पेंड है और कल का जो उनका वीडियो हमने देखा है उस पर भी पार्टी कार्रवाई करेगी। प्रणव सिंह चैंपियन जनता के वोटों का ऐसा सिला देंगे, ये भारतीय लोकतंत्र का अपमान है। रुड़की से चांदनी कुरेशी, देहरादून से दिलीप राठौर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। प्रणव सिंह चैंपियन एक विधायक का नाम हो सकता है लेकिन उनके करतूतें भारत में राजनीतिक कल्चर का हिस्सा हैं। इसीलिए कानून और नैतिकता को ताक पर रखने वाले एक माननीय को ढूंढने चलिएगा तो 72 मिलेंगे। खुद बीजेपी में ही बैट बॉय से लेकर गुंडागर्दी करने वाले ऐसे सांसद दिखे जिन पर प्रधानमंत्री मोदी के तेवर का भी असर नहीं हो रहा। ऐसा क्यों होता है कि समाज की भलाई का ठेका लेने का दावा करने वाले हमारे माननीय ऐसा चरित्र दिखा जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि उन्हें खुद की छवि तक का भी ख्याल नहीं रह जाता? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि सत्ता का नशा ही ऐसा होता है जो सर चढ़कर बोलता है? अभी 6 जुलाई की ही तो बात है जब बीजेपी सांसद और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया के समर्थकों ने टोल प्लाजा पर हवा में फायरिंग कर दी थी। वजह क्या थी? सिर्फ यही कि माननीय के काफिले की गाड़ियों से टोल मांगा गया था और ये सब जब हुआ तो खुद रामशंकर कठेरिया वहां मौजूद थे। अब आखिरकार पुलिस ने रामशंकर कठेरिया के 2 गनर पिंकू और विपिन को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन इस हाल को देखने के बाद देश पूछ रहा है कि आगे चलकर कहीं मामला रफा दफा तो नहीं हो जाएगा।
रामशंकर कठेरिया के समर्थकों की टोल प्लाजा पर गुंडई का ये मामला ऐसे समय में हुआ है जब बीजेपी को मध्य प्रदेश के अपने बैठबाज विधायक आकाश विजयवर्गीय को कारण बताओ नोटिस देना पड़ा। आकाश विजयवर्गीय ने सरकारी अफसर को बल्लों से मारा था। इस मामले पर बीजेपी को इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को कहना पड़ा था कि ऐसा करने वाला चाहे किसी का बेटा हो उसे पार्टी से निकाल देना चाहिए। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सिस्टम में स्वीकार हो गई राजनीतिक चरित्र पर नाराजगी थी, क्योंकि क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस और क्या कोई किसी दूसरे दल के नेता हर जगह रसूख के बूते मनमानी चलाने वाले सांसदों विधायकों की कमी नहीं है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाले महाराष्ट्र के विधायक नितेश राणे के समर्थकों ने भी हाल ही में सरकारी इंजीनियर को कीचड़ से नहला दिया था। क्या देश ऐसे नेताओं को झेलने के लिए मजबूर है? आज तक ब्यूरो। वाह विधायक जी वाह, तमंचे पे डिस्को। उत्तराखंड के विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के वायरल वीडियो ने राजनीति के स्तर पर फिर बहस छेड़ दी है। लेकिन देश में राजनीति का अपराधीकरण हुआ कैसे, इसके आंकड़े जीते हुए तमाम दागी सांसद विधायक पेश करते हैं। राजनीति में चाल और चरित्र की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि राजनीति के अपराधीकरण को रोकने पर कोई गंभीर नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जीते 43% सांसद ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं। 29% सांसदों पर तो गंभीर केस है। केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल 39% मंत्री दागदार हैं और 29% मंत्रियों के खिलाफ गंभीर केस दर्ज है। राज्यों की विधानसभाओं में भी दागदार नेता बड़ी तादाद में है। 2019 में जिन राज्यों में चुनाव हुए उनमें उड़ीसा में 55% आपराधिक केस वाले विधायक हैं, तो आंध्र प्रदेश में 46% विधायक दागी है। अरुणाचल प्रदेश में 17% विधायकों के खिलाफ आपराधिक केस है। 2019 में विधानसभा के लिए वोट करने वाला एक सिक्किम ऐसा राज्य रहा जिसका कोई विधायक दागी नहीं। लेकिन देश में झारखंड, केरल, बिहार और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां के आधे से ज्यादा विधायक दागी हैं। आज तक ब्यूरो। चलिए इसी के साथ विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।